आज आपका मूड कैसा है जब आप मेरा वीडियो देख रहे होंगे। हो सकता है किसी का मूड अच्छा हो, किसी का मूड खराब भी हो सकता है। तो मेरा कहने का मतलब ये कि नेचर भी मूडी है, कभी वो बहुत खुश होगा, कभी बहुत उदास हो जाएगा, कभी बहुत गुस्से में आएगा, तो अपना रूप दिखाएगा जैसे हम लोग दिखाते हैं मनुष्य। यानी कि जो आपके भीतर होता है वही प्रकृति में भी हो रहा है। तो मुझे कहने का मतलब ये है कि प्रकृति भी मूडी है। हम लोग भविष्यवाणी करते हैं कि इस बार खूब बारिश होगी, गर्मी पड़ेगी चाहे ठंड पड़ेगी। बारिश जिस वक्त आप भविष्यवाणी करते हैं कि बारिश खूब होगी, बारिश नहीं होती है। आप कहते हैं ठंड खूब पड़ेगी, ठंड नहीं पड़ती है। यानी प्रकृति भी मूडी है। वो समझता है कि मनुष्य को लगता है कि वो उस पर जो है हावी हो चुका है, ऐसी बिल्कुल बात नहीं। वो भी काफ़ी बड़ा मूडी है। तो कहने का मतलब जिस तरीके से आप मूडी हैं और अपने लोगों को मनाने के लिए आप बहुत तरीके के उपाय करते हैं जो आपके लोग अपने लोग रुष्ट हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, तो नेचर को भी मनाने का हम लोग बहुत कुछ उपाय करते हैं। चाहे हवन करके इंद्र भगवान के प्रशस्ति गान जो पहले हम लोग करते थे, इस तरीके से हम लोग नेचर को मनाने की कोशिश करते हैं कि भाई बारिश दो, मौसम अच्छा रखो। क्यों करते हैं? क्योंकि नेचर भी मूवी है। इस चीज़ को हम लोग को समझना होगा कि नेचर को हम टेक इट ग्रांटेड नहीं ले सकते हैं। हम ये नहीं सोच सकते कि नेचर हम जैसा चाहेंगे नेचर वही करेगा। तो आइए नेचर को समझने की कोशिश करते हैं, वो भी मूडी है।